नमस्कार, सिक्किम चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में सारंग जी राउत और समीर जंजाट, ये दोनों कांग्रेस के औद्योगिक आघाड़ी और व्यापारी के अध्यक्ष भाजपा की तरफ से सारंग राउत है और कांग्रेस के तरफ से समीर जंजाट यहाँ पे हमारे साथ में। क्या परिस्थिति रही पूरे लोकसभा चुनाव के समय और किस आधार पर वोट मांगे गए, किस आधार पर वोट मांगे गए, क्या आधार वह आधार पर वोट मिले या वोटों का परिवर्तन कुछ अलग दिशा में। हमने अभी दो प्रकार के सर्वे यहाँ पे किए थे, आपको बताइए, एक विधानसभा के अनुसार और एक जातिगत समीकरण। दोनों के थोड़े थोड़े से डिफरेंस अलग अलग आए, क्योंकि जातिगत समीकरण जब करते विधानसभा का वहाँ महत्व नहीं था, लेकिन विधानसभा की जब बातें करते तो वहाँ के स्थानीय मुद्दे, वहाँ की स्थानीय राजनीति, वहाँ के स्थानीय लोग, इन सब सारी चीज़ों का चर्चा होती है। हमारे साथ में दोनों, एक कांग्रेस के और एक बीजेपी के, दोनों के यहाँ पे प्रतिनिधि मौजूद है। दोनों ने ग्राउंड में रहकर काम किया, दोनों को परिस्थिति पता है, लेकिन हर व्यक्ति बोलता है कि हमारी सीट आ गई। निश्चित रूप से यहाँ अभी कांग्रेस वाले बोलेंगे सीट आ गई और भाजपा वाले भी सीट आ गई। जब तक कल सारी पेटियाँ ईवीएम नहीं खुल जाते कोई बता नहीं सकता, सिर्फ एक पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। और किस प्रकार से कांग्रेस ने ग्राउंड में जाके प्रचार किया और किस प्रकार से बीजेपी ने जाके प्रचार किया, जानते सबसे पहले समीर जी से। पहली बार कांग्रेस को यहाँ पे पंजा चिन्ह मिला, किस प्रकार आप देखते, क्या आपके मुद्दे कांग्रेस के पंजा चिन्ह को थे कि अमरावती के विकास को लेकर? नहीं, पहली बार तो विकास के मुद्दे पे, तो पिछले बार भी हम कांग्रेस यहाँ जीती हुई है, इस बार भी कांग्रेस 101% जीतने वाली है। कांग्रेस की जो विचारधारा से ये जिला है, पहले से ही कांग्रेस विचारधारा का जिला है, 25-26 साल के बाद पहली बार यहाँ पंजा का चिन्ह मिला, उसके वजह से सारे कांग्रेसियों में एकजुटता थी और उन्होंने सारों ने मिलके बहुत जोरदार प्रचार किया। पंजे के कारण उत्साह था कि कोई आपके पास में प्रोजेक्ट था अमरावती की जनता को देने के, इसलिए आप पंजे को वोट दीजिए करके, सिर्फ पंजा है इसलिए आपने वोट मांगा है? नहीं, पंजा तो वोटिंग के मामले में हो या विजन के मामले में हो, पिछले 60 दशक से कांग्रेस ही इस का प्रतिनिधित्व करती आई हुई है। जो भी विकास आपको आज की तारीख में दिख रहा है, ये कांग्रेस का ही विकास है करके सारियों की वो खुशी की लहर थी और सारे एकजुट होके कांग्रेस के लिए लड़े हैं। बीजेपी ने लगातार पूरा मोदी के नाम पर वोट मांगा हर जगह, तो स्थानीय जो कार्यकर्ता थे, स्थानीय जो विजन था, वो कहीं तो भी यानी अंधेरे में जाता हुआ दिख रहा। क्या मोदी के नाम पर वोट मांगना और स्थानीय जो कार्य किया गया, जैसे नवनीत राणा को हम यदि यहाँ गए तो 5 साल में सबसे एक्टिव, यानी हम यहाँ से हमको समझ है जितने हमने खासदारों को देखा, सबसे ज़्यादा एक्टिव नवनीत राणा से एक्टिव हम आज तक कोई, उसके बावजूद उनको मोदी जी के नाम पर वोट मांगा, क्या विजन की क्या कमी है? देखिए, जब लोकसभा इलेक्शन लड़े गए पूरे भारत भर में, तो एक बात बहुत स्पष्ट थी कि 10 साल में मोदी जी और मंत्रिमंडल, भाजपा सरकार ने जो काम किया, एनडीए ने जो काम किया, उसकी छाप पूरे अमरावती विधानसभा से, अमरावती लोकसभा या पूरे देश भर में जितने भी मतदार और जितने वोटर्स इस बार वोट करने वाले थे, एक बात पक्की ठहराई गई थी, मैनिफेस्टो भी वैसा था कि मोदी जी के काम के प्रति लोगों की क्या आस्थाएं हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जो सुशासन दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज में, कोई भी ऐसा आप किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते जहां काम हुआ नहीं है, विकास का काम हुआ है। और नवनीत जी तो मोदी जी और शाह साहब, इन्होंने ही निर्धारित की हुई यहाँ की हमारी प्रत्याशी थी, उम्मीदवार थी, तो कहीं लोकल के मुद्दे छोड़ के, लोकल ब्रांड नेता या फिर नाम छोड़ के सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे, मांगेगा ऐसा नहीं। मोदी जी तो हमारे केंद्र में थे ही और उसके साथ में आपने जैसा कहा कि पूरे भारत भर में हम देखे तो सबसे एक्टिव एमपी करके, जिनका हर लोगों से कनेक्ट है, आप चाहे कोई भी तबके के लोग लीजिए, छोटे से लेके बड़े व्यक्ति को ले लीजिए, व्यापारी ले लीजिए, हर जगह नवनीत जी का अपना खुद का स्वयं का 5 साल का जो कनेक्ट रहा है वो बहुत शानदार था। और इसी सारी चीजें को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हुए उनको टिकट दी गई और सारे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी से लेके जितनी भी एनडीए के अलायंस जितनी भी पार्टियां थी, उन सब ने नवनीत जी के लिए बहुत शानदार तरीके से काम किया है, बहुत अच्छा काम हुआ है। ग्राउंड लेवल पे जाके सब लोगों ने जहां जहां वोटिंग निकालने से लेके लोगों को समझाने का और जितने भी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की सब लोगों ने जिसका फायदा लिया है, ऐसे लाभार्थियों के साथ में चर्चा करने के बाद, ये बात पक्की है कि आने वाले दिनों में, कल जो 4 जून को जो रिजल्ट आ रहा है उसमें नवनीत जी जीत के आ रही है। क्या लगता
अमरावती में वोट विकास के नाम पर मांगे गए या किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर? नहीं, व्यक्ति विशेष के बारे में तो उन्होंने खुद ने ही मोदी जी का जो मैं तो कहता हूँ बीजेपी वालों का भी काफी मन दुखा होगा वो चीज की वजह से, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले बार मोदी जी की लहर होने के बावजूद में आप फुग्गे में मत रहो, कोई मोदी जी की लहर नहीं थी, मैं खुद के भरोसे चुन के आई हूँ, उसके भरोसे आप समझ सकते हैं ये लोगों के मन में क्या थी। बूथ पन्ना, इनका जो पन्ना बूथ प्रमुख होता है, वहां से लेके सारे नेताओं ने आप वो रात की राजनीति देखी होगी, 2300 लोगों के करीबन इन्होंने उनके खिलाफ में कंप्लेंट की थी, एक ही दिन में उनको यानी बिना पक्ष में लिए हुए टिकट घोषित होने के बाद सारे लोगों को वहां जाके उनको टिकट देनी पड़ी। और ये अभी अच्छा उम्मीदवार कोई रहता है? नहीं, बीजेपी के पास खुद के पास अच्छा उम्मीदवार नहीं है, यही तो बहुत शोकांति का है। वो तो कोई भी पक्ष लेता है, उम्मीदवार जो अच्छा था, आजकल तो चुन के आने वाली बात रहती है ना। कोई भी पार्टी जब लोकसभा में बहुमत में आना चाहती तब जो कैपेबल कैंडिडेट जो चुन के आने की कैपेबल कैंडिडेट वही होता है, ही व्यक्ति कैपेबल कैंडिडेट वही है अजीत दादा की जैसा, जिसपे 17,000 करोड़ के घोटाले का आरोप हुआ, 17,000 करोड़ के आसपास का घोटाला था आदर्श घोटाले में, के हमारे जो कांग्रेस के माजी मुख्यमंत्री थे अशोक चव्हाण जी साहब है, ऐसे ही लोगों को इन्होंने जमा करते हुए गए। इनको आंकड़ों का खेल करना है, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, और इनका वो जो झूठे वादे थे वो आज जनता के सामने आने वाले हैं। आंकड़ों के खेल में ये कहां तक सफल होगा? क्या 400 पार पोस्ट लग रहा है? नहीं, ये 400 से आधे भी पार नहीं करेंगे, जो इनका आंकड़ा है ये 4 तारीख को सभी लोगों के सामने आएगा, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमारे पार का आंकड़ा, हमारे मित्र जो बोल रहे हैं समीर जी, उनका इसके ऊपर जो रुझान है वो बिल्कुल गलत है। आज जितने भी ओपिनियन एग्जिट पोल आए हैं और उसमें आप देखेंगे तो एक भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं है जिसमें 370 के ऊपर, 315 से लेकर 370, 400 तक एग्जिट पोल में आंकड़े दिख रहे हैं। और पूरे दुनिया भर में, पूरे देश में ये बात बिल्कुल अभी तय है कि आने वाले दिनों में, कल का जो दिन उसमें आ रहा है, उसमें एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में आने जा रही है। आपको क्यों लगता है कि उनके 400 पार सीट नहीं होगी? क्योंकि सारा मीडिया उनके साथ में है और मीडिया का तो ऐसा हो चुका है भैया कि मीडिया तो गवर्नमेंट के साथ ही होती है। इसके सर्वे पे आपको विश्वास नहीं? हर बार जो एग्जिट पोल विश्वास है, एग्जिट पोल पूरी तरह से सही नहीं है। एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है कल वो सबके सामने आएगा और तभी आप अपना पूरा ओपिनियन बता सकते हैं। अमरावती की सीट के बारे में क्या लगता है, किस प्रकार और किस आधार पर चुनके आएगी? अमरावती की पहले ही हम पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बता चुके हैं कि ये धनशक्ति के विरोध में जनशक्ति का एक तरीका आंदोलन था और इसमें जनशक्ति का ही विजय निश्चित है। आने वाले समय में ये सभी के लिए काम करने वाली एक ऐसा खासदार यहाँ चुन के लोक प्रतिनिधि के तौर पे चुन के आएगा। क्या लगता है, धनशक्ति और जनशक्ति? बिल्कुल नहीं, धनशक्ति और जनशक्ति का अगर हम देखा जाए तो लोग विकास, काम, नेतृत्व, इन सब विषयों के ऊपर अपना वोट डालते हैं। धन शक्ति का हम अगर प्रसार प्रचार देखिए तो कोई भी ऐसी पार्टी कहीं पे भी ऐसा विषय आपको नहीं दिखेगा कि जहाँ पे विरोधी पक्ष वाले से बोलने के लिए धन शक्ति का ये किया और जनशक्ति का। बहुत सारे लोगों ने हमने देखा कि यहाँ पे त्रिशंकु लड़क का एक ये बनाया गया है, पर आप अगर देखेंगे कि जैसा जैसा माहौल बनते गया वैसा भारतीय जनता पार्टी की सारी सभाएं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान, उनका नवनीत जी के प्रति अपनी जो इंटरेस्ट था वो सारा बदला। और उसके बाद में ये बिल्कुल हम आश्वस्त थे पहले दिन से कि भारी बहुमतों से, भारी सीटों, भारी मतों से हमारी प्रत्याशी चुन के आ रही है। लोग कार्यकर्ताओं में तो काम नहीं किया ऐसी बहुत जगह से खबर नहीं? बिल्कुल गलत बात है। देखिए, हर पार्टी में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उम्मीदवार को ये लगना और अपनी एक महत्वाकांक्षा राजनीति में रखना कोई गलत बात नहीं है। जहां भारतीय जनता पार्टी में एससी कैंडिडेट, जहां पे रिजोर्ट का ये जो हमारा लोकसभा मतदार संघ है, वहां पे किसी को भी लगना चाहिए कि हम इतने साल से पार्टी में कर काम कर रहे हैं तो टिकट हमें मिलनी चाहिए। पर जब शीर्ष नेतृत्व और जब ऊपर के जितने भी लोग हैं उनने ये सारी मीटिंग्स हुई, उसका डेटा और उसके बाद में जो आकलन हुआ, सर्वे हुआ, उसके बावजूद, उसके बाद जब नवनीत जी की टिकट यहाँ पे घोषित की गई तो उसके बाद कोई मनमुटाव, कोई दिल में आशंका कुछ नहीं थी। जो चीजें नेताओं के सामने रखनी थी हमारे यहाँ के सभी नेताओं ने रखी, उसके बाद में जो निर्णय है उसके साथ में सभी लोग थे। ये गलत भ्रम फैलाया गया है कि किसी जगह से कहीं काम हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप हर जगह देखेंगे तो बूथ से लेके हर जगह पे इन्होंने, जैसा पता है कि पन्ना प्रमुख, हमारा सिस्टम इतना
प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट था कि सब जगह से काम हुआ और सभी लोगों ने अपना जी जान लगा के इस लोकसभा में अपनी अपना काम किया है और प्रचार भी किया है। नवनीत राणा और रवि राणा की सभी नेताओं से नाराजगी थी, यहाँ तक कि उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बताया जाता है कि कार्य नहीं किया, क्या इन सारी चीजों का बेनिफिट आप ले पाए पूरा का पूरा कांग्रेस वाले? अभी तो ऐसा लगता है कि उसका कोई ना कोई फायदा मिला होगा। मुझे कुछ ऐसे भी लोग मिले हुए जिन्होंने जीवन में कांग्रेस को वोट नहीं डाला था पर उन्होंने कांग्रेस को वोट डाला। ये भाजपा की पदाधिकारी है, कांग्रेसियों ने नवनीत जी को वोट डाला है, इसके पहले भी डाला है, कुछ लोगों ने इस बार भी डाला होगा, इससे मैं नकारता नहीं हूं। कांग्रेस वालों ने नवनीत राणा को वोट इसके पहले डाला था करके कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने इस बार भी वोट डाला, पर मैं इससे आश्चर्यित हूं कि बीजेपी वालों ने, संघ के कुछ कट्टर लोगों ने कांग्रेस को पहली बार वोट डाला, ये मेरे लिए शॉकिंग था। ये भ्रम की स्थिति है और ना ही ऐसे कोई स्टेटमेंट बाहर आया और ना ही ऐसा कोई विचार और ना ही ऐसा कोई प्रचार प्रसार हुआ है। संघ का, भारतीय जनता पार्टी का पहले से मतदार जो है वो पार्टी के साथ रहा है। पार्टी में कैंडिडेट कौन है इससे ज्यादा केंद्र में नेतृत्व में कौन बैठा है और कहां हमें किसकी सरकार चाहिए, कौन इस भारत की परिस्थिति को बदल सकता है, किसमें सारी क्षमता है, ये जानने वाला समझने वाला मतदार अमरावती लोकसभा में है और निश्चित ही वो सारी चीजें देखते हुए समझते हुए उसने अपना वोट किया है। दिनेश गुप्ता प्रहार से पहले लग रहा था कि दिनेश गुप्ता काफी आगे बढ़ जाएंगे, बाद में सारा पीछे आ गया। कांग्रेस को फायदा हुआ, कांग्रेस को नुकसान हुआ उनके पीछे आने? कांग्रेस को फायदा हुआ या नुकसान हुआ ये इसका कोई आकलन हुआ नहीं है। दिनेश बुबे एक देखो, दिनेश बुबे यदि एक नहीं खड़ा रहता तो वो वोट किसको जाता, ये आकलन तो उनको करना पड़ेगा ना कि दिनेश बुबे ये आकलन दो नहीं खड़ा था सीधे आमने सामने नहीं, नहीं, नहीं आमने सामने भी फाइट रहती थी तो वो अच्छा ही था। वैसे भी कैंडिडेट ये दो ही लड़े हुए है, ये बाकी तीन और चार नंबर के जो कैंडिडेट है उनको काफी वोट नहीं मिलेंगे। दिनेश को वोट मिलेंगे उससे ज्यादा जीत का अंतर नहीं उनका। अभी भाई साहब हमने आकलन ही नहीं निकाला कि उनको वोट कितने मिल सकते हैं, ये कोई बीजेपी वाला कह दे कि उनको इतने वोट मिल सकते हैं उसका आकलन होगा। सबकी एक संभावना रहती है, जैसे हमने अभी पूरा डाटा यहाँ पे प्रस्तुत किया, सबके वोट्स पूरे बताए कि कितने मिलने हैं। हमारे यदि डाटा देखो तो हमने अभी जातिगत समीकरण में जो अभी डाटा निकाला था उसमें नवनीत राणा को 5,08,000 वोट मिले, कहीं से भी 5 लाख से कम उसको वोट मिलते हुए नहीं दिख रहे, वहीं दिनेश गुप्ता को 1,15,000। तो 1,15,000 वोट ये कहीं ना कहीं तो मायने रखते हैं। दिनेश गुप्ता नहीं खड़ा रहता तो किसको वोट जाते थे, वो हम फायदा होता था। बिल्कुल मायने रखते हैं और मुझे लगता है कि दिनेश भाऊ ने जो अपनी उम्मीदवारी रखी और जो वो इलेक्शन लड़े और आपने जो 1 लाख का उनका आंकड़ा बताया तो इससे नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। जो वोट उन्होंने जो वोट कांग्रेस के थे या फिर जहां हम अगर स्थानिक बात करें कि जैसा बच्चू बहू के प्रहार से वो लड़े और बच्चू बहू और राजकुमार पटेल जी ये जो प्रहार के दो आमदार उस दो मतदार संघ का नेतृत्व कर रहे हैं तो वहां पे जो वोट की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुए उसका सबसे बड़ा फटका कांग्रेस को लगने वाला जिसका फायदा अगर ये आकलन होगा तो वो तो महायुति के सदस्य है और वो यानी गुजरात से लेके गुवाहाटी तक के उनके साथी रहे हुए हैं बच्चू बहू और पटेल साहब, तो वो उनके ही वोट काटेंगे अगर इसी आकलन के अगर हिसाब से चलते होंगे। पहले कहा था कि दिनेश जो पीछे पीछे से लास्ट में बैक आ गए जिनकी जहाँ 2.5 लाख तक की वोट की संख्या होनी चाहिए थी वो 15 नवनीत जी का। आपने कहा कि दिनेश जो का फायदा नुकसान कांग्रेस के, यदि ये वोट खाते तो कांग्रेस के, तो ज्यादा वोट लेते तो भी कांग्रेस के जाते तो दिनेश गुप्ता पीछे आके तो आपको नुकसान पहुंचा दिया। फिर देखिए दो चीजें हैं, दिनेश गुप्ता का वापस आना बीजेपी के लिए नुकसान रहा, नवनीत राणा के लिए सबसे पहले तो आपके अनुसार? देखिए सबसे पहले तो जो कल तो और चित्र स्पष्ट हो जाएगा, आपने जो एक फिगर उनका दिया है कि इतने वोट दिनेश भैया ने लिए होंगे और अन्य जितने भी सब लोगों ने होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क गिरा है। देखिए आप अगर सब जगह आप मेलघाट जाइए, धारनी जाइए, परतवाड़ा जाइए, जहां उनके मतदार संघ ये जो दो आमदार पर्टिकुलर दिनेश बाबू के साथ में थे और जहां का अपना प्रतिनिधित्व कर रहे उस अगर मतदार संघ में हमारे नवनीत जी का कनेक्ट देखेंगे, खासदार के नाते उनका अगर आना जाना देखेंगे, वहां पे किए काम देखेंगे, जितने भी आदिवासी लोग हैं उनके साथ में उनका डायरेक्ट संपर्क देखेंगे तो उसका फायदा उनको होता हुआ दिख रहा है। इससे बहुत कुछ फर्क भारतीय जनता पार्टी को, मुझे ऐसा भी मैं हम बोलने को ये भी बोल सकते कि कुछ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ पर ज्यादा नुकसान जो हुआ कांग्रेस को हुआ, ऐसा मेरा मानना है। मूल में बच्चू खड़ू शिवसैनिक ही थे, शिवसेना से उनकी बहुत अच्छी, शिवसेना आपके साथ में, आपका नुकसान कैसे नहीं, क्या 1,15,000 वोट यहाँ पर ये नहीं रहते तो बच्चू बहुत शिवसेना से थे तो पटेल साहब भाजपा से थे
वो मायुति के ये कैंडिडेट थे, आने वाले अमरावती में भी शिंदेगढ़ की शिवसेना थी, उन्होंने भी किसका काम किया, महायुति के ही समझ के चलिए, बच्चू भाऊ कड़ू है, पटेल साहब है, दिनेश भाऊ, उनके साथ जाने के बाद वो 1 लाख वोट भी जो थे, अगर वो महायुति के साथ रहते थे तो वो 1 लाख वोट में से करीबन 25,000-75,000 वोट तो इनके साथ रहते थे। इसमें नुकसान कांग्रेस का कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, ये नुकसान क्या बोलते हैं बीजेपी, ये वोट बीजेपी के थे जो देखा जाए तो बच्चू बहू की थे, और बच्चू बहू नहीं रहते थे, और भी कोई कैंडिडेट रहता था उसको वोट जाते थे, एक अलग से भी किसी का एक रुझान रहता है कि कांग्रेस कहीं तो जाता है। एक ही बात बोल रहा है, यदि आपको लगता है ये वोट बीजेपी के थे तो बच्चू बहू ने वोट ये 1,15,000 पे जो समय दो देखा जाए तो वोट 2 लाख के ऊपर मिलना चाहिए, तो नुकसान तो फिर इसमें कांग्रेस वालों का ये बड़ा बड़े उनको बोलना पड़ रहा है कि अगर जो दिनेश जी नहीं खड़े रहते थे, और कई लोगों ने ये चर्चा में निकली कि दिनेश भाऊ के खड़े रहने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस को हुआ है, और ये ग्राउंड लेवल पे आप उसको अगर देखेंगे तो आपको ये पता जाएगा कि मुस्लिम वोट, आदिवासी वोट, बौद्ध वोट, ये जो कुछ वोटों की गिनती हमने की और आपने भी अब थोड़ी सी एनालिसिस की, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को होता हुआ आपको कल दिखेगा। आपका जीत का आधार क्या है, जातिगत समीकरण है या विधानसभा का है या आपके किए हुए काम है या नवनीत राणा का विरोध है इसलिए आप जीत जाएंगे, क्या जीत के जैसा बदल जीत जाएंगे, क्या कारण? जीत का आने का सबसे बड़ा क्या समीकरण क्या बैठता है? समीकरण ये है, अमरावती जिला को मानने वाले लोग ये सभी समाज में सर्वधर्म समभाव को मानने वाले लोग है, ये जिला पहले से ही संतों की नगरी रहा हुआ है, या संत यानी गाड़गे महाराज, नहीं 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 सुनिए ना, गाड़गे महाराज, संत गाड़गे महाराज हो गए, टुकड़ोजी महाराज हो गए, डॉक्टर पंजाबराव भाऊ साहेब देशमुख हो गए, ये जो लोग थे यह डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से रिलेटेड फॉलोअर्स थे, इनके साथ इन्होंने काम किया हुआ है, अमरावती भूमि ये पहले से ही समविचारी रही हुई है। आप आज भी अगर आकलन में देखें तो कांग्रेस में यहाँ 3 आमदार है, कांग्रेस में यहाँ पे एपीएमसी रहे, सहकार क्षेत्र रहे, यहाँ सभी काश्तकारों से रिलेटेड पक्ष पहले से ही गवर्नमेंट में, इसके अलावा भी कैंडिडेट थे, शायद उनके बहुत कम 18-20 हजार वोट उस समय कांग्रेस की बात है, नहीं वो कैलकुलेशन में भी उसमें भी उनके अपोजिशन में रहने वाले लोग भी कांग्रेसी थे करके का वो कैलकुलेशन था, आज का कैलकुलेशन वैसा पंजा था जिस समय पंजे की बात कर रहा हूँ, पंजे की बात कर रहा हूँ ना, उसमें उनके खिलाफ में लड़ने वाले भी कांग्रेसी लोग थे जो उनके खिलाफ में अपक्ष में भी लड़े थे, और कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा थे, अभी लड़त सीधी सीधी 2 लोगों में लड़त है, इस बार भी और पिछले बार भी 2 लोगों में, अड़सूर साहब और नवनीत राणा में लड़त थी, इस बार बलवंत भाऊ वानखड़े और नवनीत ताई में दोनों में लड़त है करके का ये भी रुझान है। और दूसरा इसके अलावा जातीय समीकरण भी आप देखेंगे तो 18 पकड़ जाति जो है वो भी बलवंत भाऊ के साथ थी, उसके अलावा तेली माली कुंभी सारी चीजों में भी देखे जाए, पटेल देशमुख मुस्लिम बौद्ध इनका भी एक गट्ठा वोटिंग है, और आदिवासी समाज जो इस बार कांग्रेस के पंजे के वजह से पूरी तरह से एक साथ था। आपने अगर राहुल जी की जो अचलपुर की सभा देखी होगी उसमें ही उतने वोटर थे कि जितने बलवंत भाऊ चुन के आने के लिए भी काफी है, ऐसी पूरी परिस्थिति थी, कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं थे करके हमारी जीत निश्चित है, ये मान के हम आज ही चल रहे हैं। तो क्या दिनेश भुक के बराबरी के वोट नवनीत राणा को मिलेंगे नहीं मिलेंगे? सारी जातियां सारी आपने ले ली, हिंदू मुस्लिम बौद्ध सारे आपके थे, आपने दिनेश भाऊ से तो फिर नवनीत राणा को वोट दिनेश भाऊ से ज्यादा से ज्यादा उनको 1 या 1.5 लाख वोटों से ज्यादा रहेंगे, इससे ज्यादा नवनीत भाभी को वोट नहीं मिल सकते। देखिए सबसे प्रथम अभी जैसा समीर जी ने सभी चीजों को बताया, मतदार नहीं ये जातीय दिहाए हमने तो बात कर ली, पर आप एक बात समझ के चलिए कि बड़वन जी खुद एक आमदार थे और दरियापुर विधानसभा से अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसके बाद 5 साल का उनका सारा का ग्राफ देखे और दरियापुर विधानसभा में उनके काम देखे, दूसरा लोकसभा में जाने के बाद में नवनीत जी ने 5 साल में जो काम किया, जितने सारे प्रश्न लिए, चाहे हर प्रश्न पे आप कोई भी बात कीजिए, कोई व्यापारी से रहे, कोई टैक्सेशन के बारे में रहे, चाहे विकासात्मक रहे, इन सब चीजों में नवनीत जी का 5 साल का अगर आप पूरा कार्यकाल देखेंगे तो लोगों को ये पता है कि लोकसभा में उसी कैंडिडेट को भेजना चाहिए जो कैंडिडेट हमारे लिए सक्षम हो, जो अपनी बात रखे। अब हम सारे समीकरण जाति अगर छोड़ दें तो बड़वन जी को वोट कितने डाले हैं लोगों ने और क्या डाली आपको कल पता चलेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में अमरावती जिले का विकास और हमारा प्रतिनिधि काम गिनाया 5 साल का प्रतिनिधि
उससे ज्यादा पॉपुलर पूरे देश में कोई नहीं था। बिल्कुल, लेकिन क्या वो चीज आपने वोटर्स के सामने रखी? बिल्कुल रखी है। नवनीत हिंदुत्व मतदार, वोट लिया मतदार, ये हमेशा जागरूक मतदार रहा है और वो सारी चीजों को समझता है, भली भांति जानता है कि अगर सत्ता में एनडीए आ रही है, मोदी जी की सरकार बैठ रही है, और अगर हम एमपी हर कोई दूसरी पार्टी का अगर हम यहाँ से चुन के देंगे तो अपोजिशन में जाने के बाद में कुछ लोगों को तो लोकसभा में जाने के बाद में 2 से 3 साल समझने के लगते कि हमको बोलना क्या, हमको करना क्या है, और यहाँ अगर 5 साल में कोई बने हुआ कसेवा कोई अगर हमारा प्रत्याशी हो जो ऑलरेडी एमपी है और जिन्होंने काम किया है, तो ऐसे लोगों के साथ में ही लोग जाना पसंद करते। चंदू भैया ये बात पक्की है। नवनीत जी भाभी सिर्फ विवादित बयानों के वजह से आज दुनिया में पहचानी जाती है, मैं इंडिया में नहीं दुनिया में बात करता हूं, पर विकासात्मक काम अगर बोलेंगे तो उन्होंने 5 साल में कोई भी काम आज तक पूरा नहीं हुआ, जो पुराने लोगों के काम थे वो भी वो पूरे नहीं कर सके उन्होंने। एक मैं बोलता हूं 5 काम इन्होंने गिना के देना कि जो उन्होंने पहले से लेके आखिरी तक के पार किए होंगे। देखिए जब लोकसभा में 5 साल के बाद में यानी पूरे 5 साल का कार्यकाल हम देखेंगे, हम बात करते हैं सबसे पहले कि एयरपोर्ट डेवलपमेंट और एयरपोर्ट की पहले से हुआ है। देखिए पहले से अगर हुआ होगा 10 साल से पिछले बार अरुण साहब ने भी वो पूरा नहीं किया, उस चीज को गति देने का काम पूरी कर सके, और वहां पे टर्मिनल का काम, टेक ऑफ हुआ, लैंड एक्विजिशन का काम, ये सारी चीजें सुनील भाई देशमुख पालक मंत्री थे उनके टाइम में हुआ है, उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया, उसके वजह से वो सामने गए, इन्होंने कोई काम पूरा नहीं किया। मेलघाट आज भी वैसे ही स्काई वॉक को पूरा नहीं कर पाए, सत्ता में आधे अधूरे इसमें पड़ा हुआ है, पीएम के नाम से कर रहे हैं कोई भी चीज पूरी नहीं। हरमन 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 की प्रोजेक्ट की जो बात आई थी, हरमन कंपनी भी गई हुई है, पर इनके जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है उसमें उन्होंने नजदीक पास 2.5 करोड़ रुपए उनसे उधार लिए हुए, यानी आने वाली जो भी कंपनी आती है ये लोग उनसे पैसे मांगते हुए दिखाई देते हैं, या फिर वो कंपनी यहाँ से भाग के चली जाती है। इन्होंने नोटिफिकेशन लिख के दिया हुआ है जोन जब कांग्रेस के कार्यकाल में यहाँ पे डिक्लेयर हुआ था, भारत डायनामिक कंपनी, भारत डायनामिक जैसी कंपनी हैदराबाद चली गई, किसके वजह से गई? पार्क में अगर अमरावती का इस पूरे देश में जितने भी जिले इसमें हुए उसमें अमरावती जिले का नाम आना, अगर आप नांदगांव पे डीमाडीसी में आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या डेवलपमेंट वहां चल रहा है, हजारों एकड़ की जमीन आज भी और आने वाले दिनों में वहां पे आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट, और जो भी प्रोजेक्ट आता है वो वहां से छोड़ के भाग के चले जाता है। समय के बाद में हर चीज को एक एक्विजिशन है उसका, ये सारी चीजें है, इतने प्रॉब्लम्स ये बता रहे हैं। एक मैं तो बोलता हूँ ना 5 काम इन्होंने बताने चाहिए कि 5 काम हो गए करके इनके 5 साल में पूरे काम की पॉलिसी पूरे कर दिए करके। देखो काम की प्रोसेस चलते रहती है, टाइम चलते रहता है, होते रहता है, एक खुद के क्रिएटिविटी काम और किए भी है। मैं बोला कि मतदार संघ में जाके इन चीजों को जाके अपने वोट मांगे। मेरा प्रश्न है इनसे भी वही था, इनसे था कि विकास के मुद्दे पे कि सिर्फ ये जातिगत समीकरण के आधार पर चुन के आ रहा है और आप सिर्फ मोदी के नाम पे चुन करके आ रहे हैं कि आपके पास में विकास का जो पिछले 5 साल में आपने काम किया उसका, क्योंकि 5 साल में अब रहा तो नवनीत राणा अभी आई हुई, यदि आप ये भी बोल के साथ पहले वो अपक्ष थी हम उसका उन्हें मालूम, अब आने वाले समय में आप ये बोल के भी टाल सकते, लेकिन जो वो बात बोल रहे हैं वो उनकी युवा स्वाभिमान की जब वो अपक्ष की थी उस काल की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी का सारा जवाब दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक खासदार के नाते निश्चित रूप से उनके जैसा प्यार किसी का नहीं है लोगों में, जुना जुना लोगों की क्या अपेक्षा रहती है खासदार से, हमसे मिले जुले विकास की कितने लोगों को जरूरत है, क्या विकास के नाम पे सही में कुछ हुआ, रोजगार यहाँ पे मिले, ये मिले, या कोई भी आने वाला क्या ये सारी चीजें कर पाएगा? जनसंपर्क, विकास और लोगों का एक जो उनके प्रति जो भावनाएं हैं, आज ऐसा एक आमदार और खासदार एक घर में होने के बाद उनके घर तक किसी भी सामान्य व्यक्ति को उन तक पहुंचना, अपनी बात रखना, वो चाहे छोटी सी बात रहे या फिर जिले की विकास की बात रहे, जो एक्सेस उनके पास में है, जो आम आदमी को मिलता है, वो किसी आदमी के पास मिलना अब तक स्वाभाविक ये नहीं था। दूसरा है आने वाले महानगर पालिका में दूसरा सबसे लोगों को आयुक्त जैसे को काला फांसना, विषय ऐसा है, यानी घटनाओं से अमरावती में कोई भी अधिकारी आने से डरते हैं, यहां तक की घटनाओं से ये नहीं कर सकते कि इनके कारण ये सब कुछ हुआ है। हम ये भी देखना चाहिए कि 5 साल के अंदर आप सारी चीजें जो बदली, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप आ गए और आपने एक जादू की कांडी नहीं कि आज आप बोल देंगे और कल हो जाएगा करके, आज आप वैगन कारखाना देखिए काम चल रहा है, आधा ही वैगन फैक्ट्री भी उन्होंने नहीं लाई हुई है, रेगुलर का आप देखिए एक्विजिशन हो गया वहां पे, पानी कॉलेज भी आई हुई है, भारत काम हो रहा है, वहां काम हो रहा है, एक प्रोजेक्ट आप एयरपोर्ट भैया उन्होंने सारा एक रोजगार और स्वयं रोजगार का प्रोग्राम भी नहीं लिया, आपने जो एक रोजगार और स्वयं रोजगार के लिए एक विद्यार्थियों के लिए प्रोग्राम भी नहीं लिया गया, या वोट
का मांगने का आधार बीजेपी मोदी का चेहरा और हिंदुत्व आधार था, क्या हमने हमारे बताए हुए काम कहीं प्रस्तुत किए कि इसके कारण आप मुझे वोट दो? और आपने भी जातिगत समीकरण के अलावा एक और नवनीत राणा का बहुत ज्यादा विरोध है, इसके अलावा कोई आपके पास प्रोजेक्ट है? छोटे छोटे शब्दों में थोड़ा सा उत्तर ठीक है। मैं सबसे पहले एक मिनट आने वाले आप बता दीजिए, आने वाले जो व्यापारी वर्ग है, सुनिए, व्यापारी वर्ग महानगर पालिका से जो 10% टैक्स वसूली हो रही है उसके खिलाफ में चैंबर ऑफ कॉमर्स भी गया हुआ है, केड़ाई वाले भी गए हुए, हम अमरावती कृति नागरी पूर्ति समिति की तरफ से भी कोर्ट में गए हुए, यानी टैक्स जो लग रहा है 10% टैक्स, आज 2000 रुपए जिसको टैक्स था उसको 10000 रुपए 8000 रुपए टैक्स है, यानी ये भी चीजें समझनी पड़ेगी कि अमरावती में की जो पब्लिक है जनता की क्या तकलीफ है, ये जनता की तकलीफ कौन लगा रहा है, ये जनता की तकलीफ यही आजू बाजू के इनके ही आजू बाजू के लोग मिलकर लगा रहे हैं, यही ठेकेदार है, यही कॉन्ट्रैक्टर है, यही सब चालू है, अमरावती में पूरा उसको महानगर पालिका को निचोड़ के खा डाला है। अब महानगर पालिका के पास पेट्रोल डीजल भरने के लिए भी पैसे नहीं है, विद्यार्थियों के जो हॉस्टल्स है वहां की भी लाइन कट चुकी है। सुनिए, ये सारी चीजें के लिए जिम्मेदार एक लोक प्रतिनिधि ही होता है, और ये तो दो दो लोक प्रतिनिधि एक घर में होके भी अमरावती की समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे हैं। लोक प्रतिनिधि कांग्रेस के भी आप कांग्रेस के प्रतिनिधि लोक प्रतिनिधि पे भी आरोप लगा रहे हैं, लगाएगी ना जो बोलेगा इसके खिलाफ। अब उन्होंने भी कांग्रेस के भी लोग अमरावती में महानगर पालिका कुछ भाग बढ़ने रहा कहा था, कुछ भाग अमरावती के लोक प्रतिनिधि अमरावती के लोग कांग्रेस के भी जो लोग प्रतिनिधि 2.5 साल से अभी नहीं, 2.5 साल पहले तो कांग्रेस की यहाँ पे ये था, वो चुन के कांग्रेस पे आए थे, आज कांग्रेस ही नहीं है, वही तो दिक्कत है। देखिए सबसे बड़ा सुकांत जी इनका यही है कि ये हमारे कहाँ है, ये कांग्रेस वालों को जिस दिन समझ जाएगा कि भाई कौन, आपने इसकी बात की, इन्होंने कहा कि बड़वन जी के साथ में समन्वय जो सबसे बड़ा फैक्टर है पूरे जिले में, इसी वजह से हमने इस बार ये समन्वय का सबसे बड़ा ऐसा इंसान को हमने लाया, समन्वय ग्राउंड लेवल से जुड़ा है, जो कहीं हम जाएगा हमारे साथ दाव लगा रहे, जिस व्यक्ति को वोट दिला रहे हैं उस पार्टी में समन्वय कितना है, नेताओं के पास में एक दूसरे का कितना कनेक्ट है, एक दूसरे को लेके चलने का कितना सामर्थ्य है, और ये आगे अगर हम जाते हैं तो ये कितना कर पाएंगे, इन सब सारी चीजों का मतदारों ने विचार करके ही वोट डाला है। लेकिन जो वो प्रॉब्लम बता रहे हैं, देखिए आपके पास में भी यहाँ पे प्रवीण कोटे नाम का, तो ये जैसा 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 इन्होंने टैक्स के बारे में बताई, मैं एक व्यापारी आगे का शरद अध्यक्ष होने नाते और पार्टी का एक दोनों व्यापारी मैं वही बता रहा हूँ, इसके लिए मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ, जो टैक्स है वो उसके लिए, आप ऐसा नहीं कि कांग्रेस और विरोधी पक्ष के लोग ही इसमें बात कर रहे करके, हमने भी ये सारी बातों का आकलन करके ऊपर ये बात दी है, और आपको मैं निश्चित बता रहा हूँ कि इस चीज भाजपा वालों का एक सिंगल निवेदन नहीं है ये बारे में, सिंगल हम तो आज भी निवेदन आपके आपके सिटी चैनल के माध्यम से मैं आज भी कहता हूँ, पक्ष विरहित रह के हम सब इस मामले में एक साथ आने को तैयार रह करके निवेदन, क्योंकि ये ऐसी चीज है यदि ग्राउंड के लोगों की समस्या तो उसके लिए पक्ष छोड़ के हमने बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल मैं इस चीज से सहमत हूँ, बिजनेस समुदाय के आप आने को होना, दोनों ने मैं इस चीज से सहमत हूँ, और रिजल्ट कुछ भी हो आने वाले 4 तारीख के बाद, पर मैं तो कहता हूँ इस चीज में आप साथ रहने को, बढ़ा हुआ टैक्स और ये जो कुछ भी ये लोगों पे जो चीज थोपी गई है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष जितने भी यहाँ पे प्रतिनिधि है उनसे इस विषय पे चर्चा होके जरूर कुछ न कुछ तोड़गा, इस कल के अपने रिजल्ट के बाद में निकलेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। कौन आएगा चुन के, यहाँ से चर्चा शुरू हुई थी, और अमरावती की समस्या पे की अमरावती में मुख्य समस्या अपनी सबके सामने आ रही, टैक्स हाउस टैक्स जो कोई को 10% है, कोई को 5% बढ़ गया, कोई का 20% बढ़ गया, इन सारी चीजों को लेके आखिर में भले शुरुआत में हम अलग 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 जोर लेके आखिर में एक मुद्दे पे कहीं तो भी दोनों पक्ष एक होते हुए नजर आए, यदि इस प्रकार काम चलता है क्योंकि कल ही मालूम पड़ेगा कि आखिर कौन आएगा, लेकिन समस्या का हल कौन करेगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए समस्या के हल के लिए भी आज इस माध्यम से हमारे सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से दोनों एक मंच पे आते तो हमारी आज की चर्चा यहाँ पे सफल होती है। कल कोई भी चुन के आए, जो भी चुन के आएगा उसका स्वागत है, स्वागत है, अमरावती की जनता उसे बिल्कुल स्वीकार करेगी, उसका स्वागत करेगी, लेकिन बशर्ते कि अमरावती के दर्द को समझे और अमरावती की जनता को समझे। दोनों नेता यहाँ पे बैठे, दोनों व्यापारी वर्ग से नेता है, दोनों ने एक बात पे कम से कम यहाँ पे एक समझदारी दिखाई कि उन्होंने भी कहा कि इनका जो मुद्दा सही है ये अपने प्रकार से प्रयास करेंगे, अपने प्रकार दोनों यदि सोल्यूशन होता है बहुत अच्छी बात, और ये बात होनी चाहिए, आज की चर्चा यहाँ सफल होती है नजर आती है, और मैं अतिथियों के साथ में आपको ये कल के लोकसभा के चुनाव के लिए हम आपके साथ और मिलेंगे, आपने आकर महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया और एक अच्छा
महत्वपूर्ण निर्णय आपने साथ में मिलकर की अमरावती की जनता के ऊपर जो टैक्स डाला गया उसके लिए एक दोनों मिलकर साथ में कदम उठाएंगे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।